हाय, मैं डॉक्टर आकाश कुमार और आज हम जानेंगे सरमत टेस्ट। सरमत टेस्ट क्या होता है, सरमत टेस्ट कैसे करते हैं, सरमत टेस्ट कब कराना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। सरमत टेस्ट एक मोस्ट यूजफुल आई ड्राइनेस डायग्नोसिस टेस्ट होता है, बट ये वाटरिंग आई एंड ड्राइनेस आई दोनों की ही रीडिंग देता है। सभी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट एंड आई डॉक्टर ड्राइनेस डायग्नोसिस मोस्टली यूज ऑफ सरमत टेस्ट इन आई। रिजल्ट इज वेरी गुड, नो टाइम वेस्ट, ओनली 5 मिनट वेट रिजल्ट। सो अब हम जानेंगे सरमत टेस्ट कैसे करते हैं। यह एक फिल्टर पेपर स्ट्रिप होती है, जो इसकी चौड़ाई 5 mm एंड लंबाई 35 mm होती है। नो टॉपिकल एनेस्थेसिया यूज करते हैं। यदि फैन ऑन है तो उसे ऑफ कर दें। पेशेंट की आई को बंद करके रखना होता है, आई को ब्लिंक ना करने दें। पेशेंट की आई में लोअर फॉर्निक्स कंजक्टिवा में ओवल शेप से 5 mm फोल्ड करके लगाई जाती है। 5 मिनट बाद स्ट्रिप को रिमूव कर दिया जाता है। लॉन्ग टीयर सेक्रेशन की रीडिंग नोट करते हैं। इसी के हिसाब से आपके नज़दीकी आई डॉक्टर ड्राइनेस का ट्रीटमेंट देते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू मोर देन 15 mm होती है, मॉडरेट वैल्यू 5 mm टू 10 mm तक होती है, एंड सीवर वैल्यू लेस देन 5 mm होती है। अब हम जानेंगे सीमर टेस्ट कब कराना चाहिए। आई में एरिटेशन का रहना, आई में बर्निंग सेंसेशन का रहना, लॉन्ग टाइम से आई का रेडनेस रहना, स्लीपिंग आई आँख में नींद का आना, हैवीनेस आई आँख में भारीपन रहना। रूटीन चेकअप में भी आप अपने नज़दीकी आई डॉक्टर से सरमा टेस्ट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच माई दिस वीडियो।